awake in your life, should come awake. That is the idea. See, when we say consciousness, generally people think it is some kind of a new happening. No, all of you are conscious. The question is only of the intensity and the scale. This is all the difference between one human being and another. How conscious? What consciousness means is, that is, the scale and scope of your life is beyond the boundaries of your own memory. When I say beyond the boundaries of your memory, right now as you sit here, this body is a body of memory. There is evolutionary memory, there is genetic memory, there is karmic memory, there is various types of memories which makes you who you are. You may be very proud as to who you are, but actually you're a consequence of thousands of generations of people and animals who have been here before us. You are a consequence of that. If you transcend that is, if you break the boundaries of your own memory, that is when the scale and scope of your life rises to a place where those who live within the confines of their memory think it's superhuman. But this is not about becoming superhuman. This is about realizing being human is super. तीन तरह के लोग होते हैं जो रात को नहीं सोते, योगी, भोगी और रोगी। ये तीनों लोग रात को नहीं सोते। जो व्यक्ति रोगी है वो दुर्भाग्यवश रात को नहीं सो पाता क्योंकि उसके शरीर में इतना आराम ही नहीं है कि वो सो सके। बड़े अफसोस की बात है। भोगी एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सुख की चाहत रखता है, इसलिए वो भी रात को नहीं सोता। आजकल बड़े शहरों में कई सारे इंसान रात में फिरने वाले जानवरों की तरह हो गए क्योंकि वो सुख की तलाश में रात भर जागते रहते हैं। और योगी, वो भी रात को नहीं सोते। तो आज आप यहाँ एक योगी के रूप में हैं। रोग और भोग को किनारे रख दें, आज आप यहाँ एक योगी के रूप में हैं। आमतौर पर इसे जागरण कहा जाता है। लोगों ने इसका अर्थ गलत समझा है। लोगों को लगता है जागरण का अर्थ है बस पूरे रात जागते रहना। नहीं, इसका उद्देश्य केवल जागते रहना नहीं है। इसका उद्देश्य यह है कि आपके भीतर कुछ जागृत हो जाना चाहिए। कोई ऐसी चीज़ जो आपके ऊपर, आपके अंदर आज तक सो रही थी, उसे जागृत हो जाना चाहिए। यही चेतना है। देखिए, ऐसा नहीं है कि ये कोई नई चीज़ है। आप में से हर कोई सचेत है, लेकिन बात केवल स्तर की है। देखिए, एक इंसान और दूसरे इंसान में यही अंतर होता है कि कोई व्यक्ति चेतना के एक छोटे स्तर पर है, कोई व्यक्ति कहीं बड़े स्तर पर है। आपके जीवन का विस्तार केवल इस बात पे तय होता है, इस बात से तय होता है कि आप अपनी याददाश्त से, अपनी यादों से परे किस हद तक काम कर पा रहे हैं। देखिए, अभी आप यहाँ बैठे हैं, आपका जो शरीर है वो वास्तव में एक यादों का ढेर है, वो यादों का शरीर है। आपके शरीर में जेनेटिक मेमोरी है, कार्मिक मेमोरी है, और आप जो कुछ भी करते हैं बस उसी दायरे में होता है। इन चीज़ों का जो मेल है वही आप हैं। आपको लगता है कि आप एक अनोखे इंसान हैं, लेकिन वास्तव में आपसे पहले जो हजारों पीढ़ियां हुई हैं, जो हजारों जानवर यहाँ पैदा हुए हैं, आप उन्हीं के जीवन का एक नतीजा हैं। उन सभी की यादें आपके भीतर मौजूद हैं। अगर आप उन यादों के परे चले जाएं, अगर आप उन यादों के बंधन को तोड़ सकें, फिर आपका जीवन का विस्तार इतना बड़ा हो जाता है कि लोगों को लगता है कि आप कोई महामानव हैं। लेकिन ये बात महामानव बनने की नहीं है, ये बात ये जानने की है कि एक मानव होना, एक इंसान होना अपने आप में महान है।